हेलो दोस्तों, वेलकम टू धमाका स्टॉक चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो बेल आइकन में भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाए। और एक बात, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे हर रोज अच्छा अच्छा शेयर ढूंढ के उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए एनर्जी देता है। अभी सीधे आ जाएंगे मेन टॉपिक पे। आज हम लोग बात करेंगे खादिम इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो ये शेयर आपका पिछले दिन क्लोज हुआ है 341 पे, हाई गया था आपका 342.20 पे और लो गया था 311 पे। ओके, फिनस्टार ने इस कंपनी को 3 out of 5 का रेटिंग दिया है। इसका जो टोटल मार्केट कैपिटल है वो आपका है 614.11 करोड़। ओके, कंपनी के ऊपर अभी आपका डेप्थ है 105.96 करोड़। तो इसका जो डेप्थ इक्विटी रेशियो आ रहा है वो आपका आ रहा है 0.53। किसी भी कंपनी का अगर डेप्थ इक्विटी रेशियो 1 और 1 से कम होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, और यहाँ पे 1 से कम ही है। और इस कंपनी का कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट का रेशियो है 5.45। किसी भी कंपनी का अगर कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट का रेशियो 1 और 1 से ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, और यहाँ पे 1 से बहुत ही ज्यादा है। और प्रमोटर्स का होल्डिंग इस कंपनी में है आपका 59.92%। किसी भी कंपनी में अगर प्रमोटर्स का होल्डिंग 40% और उससे ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, और यहाँ पे 40% से ज्यादा ही है। और एक अच्छा बात है कि ये जो 59.92% है इसमें आपका कुछ भी शेयर प्लेज नहीं है। मतलब अभी तक का जितना भी आपका फंडामेंटल डाटा हम लोग देखे तो मेरे हिसाब से डाटा अच्छा ही है। अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट में चले जाएंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे बिना इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट ओपन कर लिया, ठीक है। तो ये शेयर देखिए, इस जगह पे आपका ये था अगस्त का महीना, आपका लो बना था 210 के करीब। तब से यहाँ पे थोड़ा बहुत कॉन्सोलिडेट होने के बाद ये शेयर ऊपर की तरफ भी भाग रहा है। और लास्ट 2-3 दिन से, मतलब अगर ध्यान से देखिए तो 4 दिन से यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होते जा रहा है। अभी हम लोग सीधे चले जाएंगे इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट में। तो देखिए, इस जगह पे मतलब ये आपका था कब का दिन था, हाँ 26 अक्टूबर का दिन था। ये आपके सुपर ट्रेंड ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म करके बाय सिग्नल दिया, उसके बाद थोड़ा बहुत गिरा, लेकिन सुपर ट्रेंड का जो सपोर्ट लाइन है इसको तोड़ नहीं पाया। और इस लाइन पर सपोर्ट लेने के बाद ये शेयर आपका ऊपर की तरफ भी भाग रहा है, और लास्ट दिन बहुत एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ऑलरेडी फॉर्म किया है। RSI भी देखिए अबव 60 है, और MACD आपका 0 पॉइंट से ऊपर है, और लगातार 2 दिन से यहाँ पे भी पॉजिटिव आपका कैंडल फॉर्म हो रहा है। और जिस प्राइस पे अभी ये शेयर ट्रेड कर रहा है डेली चार्ट के हिसाब से, वो प्राइस आपका 100 डेज 200 डेज एंड 50 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर है। मतलब डेली चार्ट के हिसाब से ये शेयर पॉजिटिव शो हो रहा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका वीकली चार्ट भी देख लेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे अभी वीकली चार्ट ओपन कर लिया है। अभी अगर ध्यान से देखें, जस्ट 3 वीक पहले यहाँ पे सुपर ट्रेंड ने पॉजिटिव कैंडल फॉर्म करके बाय सिग्नल दिया था। उसके बाद वाला वीक थोड़ा सा आपका न्यूट्रल कैंडल फॉर्म किया, उसके बाद अभी ये वीक में एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव कैंडल ऑलरेडी फॉर्म किया है, और शेयर आपका ऊपर की तरफ जा रहा है। RSI भी आपका अबव 60, और MACD आपका देखिए 0 पॉइंट से ऊपर है, और मुझे जो लगता है MACD भी देखिए जब तक 0 पॉइंट से नीचे था तब भी यहाँ पे पॉजिटिव का कैंडल फॉर्म कर रहा था ग्रीन कलर का, और जब भी ऊपर है ये भी यहाँ पे भी आपका ग्रीन कलर का ही एक पॉजिटिव कैंडल फॉर्म कर रहा है। मतलब डेली चार्ट में हम लोगों को भी, सॉरी वीकली चार्ट में भी हम लोगों को क्लियरली यहाँ पे आपको पॉजिटिव सिग्नल दिख रहा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका मंथली चार्ट भी एक बार देख लेंगे। ओके, तो देखिए मंथली चार्ट यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया। अगर ध्यान से देखिएगा, ये शेयर आपका 2018 से गिर रहा था, लेकिन इस जगह पे सुपर ट्रेंड ने आपका बाय सिग्नल दिया। कब दिया, फरवरी महीने में, ठीक है। फिर यहाँ पे थोड़ा शेयर ऊपर गया, फिर थोड़ा बहुत गिरा, लेकिन अभी देखिए इस महीने में फिर से आपका एक पॉजिटिव कैंडल फॉर्म करके सुपर ट्रेंड ने बाय सिग्नल दिया है। और RSI भी आपका अबव 60 नहीं है, लेकिन 60 का जो लेवल है उसको टच किया है, और MACD लेकिन 0 पॉइंट से ऊपर है, और यहाँ पे लास्ट जो कैंडल फॉर्म किया है वो आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म किया है। तो मेरे हिसाब से इसका जो अभी करेंट प्राइस चला लगभग 340-341 का, अगर इसी प्राइस में इस शेयर को खरीदा जाए तो ये शेयर बहुत जल्दी, मतलब मुझे जो लगता है 3 महीने के अंदर, ज्यादा से ज्यादा 4 महीना यहाँ पे 400 का जो लेवल है वो क्रॉस कर जाएगा। मतलब अभी मेरा पहला टारगेट होगा 400 का। तो अगर आपको इस प्राइस पे खरीदेंगे तो मुझे जो लगता है 3 महीने के अंदर 400 का लेवल टच कर जाएगा। लेकिन कुछ भी एक्शन लेने से पहले आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे जरूर एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, और मैं यहाँ पे किसी भी तरीके का कुछ भी टिप्स देता नहीं हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जितना टेक्निकल और फंडामेंटल का नॉलेज है उसके ऊपर बेस करके वीडियो बना के आप लोगों को सही जस्ट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ कि कौन सा शेयर फंडामेंटली कैसा है, कौन सा शेयर टेक्निकली कैसा है। धन्यवाद।